हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा हरियाणा पुलिस भर्ती का रहने वाला है। और ये हमारी जो क्लास है वो विज्ञान की क्लास है और क्लास नंबर 2 है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो उसको भी जाकर ज़रूर देखना। देखिए, आपको पता है कि 8 से 10 नंबर की साइंस आने वाली है, इसलिए मैंने इस बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप इन क्वेश्चन के पहले खुद से जवाब देना और बाद में मेरे आंसर से मैच करना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, और इससे आपका लेवल भी जज हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि किसके द्वारा आरंभ होती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश द्वारा ही प्रारंभ होती है। मैं देखिए आपके ऑप्शन नहीं बोलने वाला, नहीं तो फिर टाइम की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या प्रतिक्रिया करता है, ये आपको बताना है। और चारों ऑप्शन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर गिवन है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह नीले लिटमस को लाल बना देता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि, और इसके भी ऑप्शन आपके सामने गिवन है। और देखिए, इसका राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल जो है वो एक कमजोर अम्ल होता है। ठीक है, मतलब कि जो साथ हमारा न्यूट्रल होता है उसके जस्ट एकदम सामने ही पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसका जो आयोनियन है वो कम होता है, इसलिए हम इसको कमजोर अम्ल बोलते हैं। और एसिटिक अम्ल जो है वो हमारा सिरके में पाया जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि पृथ्वी परिक्रमण करनी बंद कर देती है तो इसकी सतह पर का आभासी मान क्या होगा? ठीक है, अगर पृथ्वी जो है परिक्रमण करनी बंद कर दे तो इसकी सतह का आभासी मान क्या होगा? अब देखिए, अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं, स्थिर हो जाएगी, तो सभी जगह पर इसके समान रहेगा। ठीक है, सभी स्थानों पर जो है इसका आभासी मान बिल्कुल ही समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र अंतरक्रिया नहीं करता है, यही आपको बताना है कि किनके साथ जो है चुंबकीय क्षेत्र अंतरक्रिया नहीं करता है। तो देखिए, अगर स्थिर आवेशों के साथ, इसका राइट आंसर होगा अगर स्थिर आवेश रहेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की अंतरक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आपको बताना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये ईजी है क्वेश्चन। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना पर। ठीक है, हमारे आंख की रेटिना पर बनता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता निम्न मिश्र धातुओं में उपस्थित नहीं होता। ठीक है, आपको बताना है जिंक है वो किसके अंदर उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन देखिए आपके सामने सारे के सारे स्क्रीन पर हैं, और इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांसा। ठीक है, क्योंकि कांसा जो है वो हमारा तांबा और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, कॉपर और टीन का जो है वो मिश्रण होता है हमारा कांसा। पीतल आपको पता है कॉपर और जिंक, तो इसमें भी जिंक यूज़ हो रहा है। ठीक है, रंगा में भी हमारा जिंक होता है और जर्मन सिल्वर में तो हमारा जिंक होता ही है डेफिनेटली। इसके अंदर देखिए ऑप्शन, और आपको जर्मन सिल्वर की बात बता दूं तो जर्मन सिल्वर जो देखिए इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर जो है कौन सा तत्व नहीं पाया जाता। अब देखिए, इसका नाम तो है जर्मन सिल्वर, पर जो सिल्वर है वो ही इसके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, शुष्क बर्फ क्या कहलाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको CO2 ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्द्र हवा में लोहे के मोर्चा में शामिल होता है यानी कि लोहे में जो जंग लग जाता है सूखी हवा में, उससे क्या होता है आपको ये बताना है। तो देखिए, चार ऑप्शन तो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, लोहा द्वारा जो इलेक्ट्रॉन की हानि हो जाती है यानी कि अच्छे से जो है वो करंट प्रवाहित नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन की उसमें हानि हो जाती है अगर लोहे में जंग पकड़ ले आर्द्र हवा में। ठीक है, और जंग लगने से लोहे का भार भी बढ़ जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है। अब देखिए, स्टेनलेस स्टील के बारे में बता दूंगी, स्टेनलेस स्टील की खोज जो है वो ब्रेयरले ने की थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टेनलेस स्टील के अंदर कभी भी जंग नहीं लगता। और दूसरी बात आपको बताने के, लोहे के साथ हम क्या मिलाएं कि जो है वो स्टेनलेस स्टील बन जाती है? तो देखिए, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, क्रोमियम जो है वो हम मिलाएंगे तो वह लोहा जो है वो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, और क्रोमियम मिलाने से ही जो है स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। अब देखिए, निकल भी स्टेनलेस स्टील में कुछ पार्ट होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, बट हमारा राइट आंसर ऑप्शन भी क्रोमियम पर जाएगा, क्योंकि क्रोमियम जो है वो इसके अंदर मेन इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अलोह अधातु है यानी कि ऐसी
धातु बतानी है जिसके अंदर लोहा नहीं पाया जाता। ठीक है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझना होगा कि क्या बोल रहा है। अब देखिए, ऑप्शन बी राइट होगा, एल्युमिनियम के अंदर 1% भी लोहा नहीं पाया जाता, और एल्युमिनियम जो है वो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा धातु पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे पॉइंट। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया और एक भौतिक अभिक्रिया दो अभिक्रियाएं होती हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब बहुत मैं पहले आपको देखिए पहले इसका आंसर बता दूं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जल में लवण का घुलना एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनको थोड़ा अगर ढूंढेंगे भौतिक रासायनिक को, तो एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं, उससे जो है ये ट्रिक 90% वर्किंग है अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर अगर कोई पदार्थ मान लीजिए जैसे दूध से दही बन गया, ठीक है, उसके बाद वो दही से दोबारा दूध तो नहीं बन पाएगा, ये तो आपको कन्फर्म है कि दही से दोबारा दूध नहीं बनेगा, इसलिए मतलब कि वो पदार्थ जो पुनः चक्रण में नहीं आ पाएगा, तो उसको हम रासायनिक प्रक्रिया बोलेंगे। यानी कि कहते हैं कि जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसके अंदर हर बार नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही बन गया, नया पदार्थ बना है, पर दही से दोबारा हम दूध नहीं बना सकते, तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है। लकड़ी का जलना, देखिए लकड़ी जल गई तो दोबारा से वो लकड़ी बनेगी क्या जलने के बाद? कभी नहीं बनेगी। लोहे में मोर्चा का लगना, देखिए लोहे में जंग लग गया तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है, क्योंकि नया पदार्थ बनता है इससे इसका वजन भी बढ़ जाता है। अब आपको मैं बताऊंगी, जल में लवण का घुलना, पर रहेगा तो वो जल ही, लवण घुल गया पर रहेगा वो जल ही। ठीक है, ये आपको इस पर थोड़ा डाउट हो रहा होगा, पर ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। जल में लवण का घुलना, जल में चीनी का घुलना, या जल में आप किसी भी चीज़ को घोल देंगे, रहेगा तो वो फाइनली जल ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है? यानी कि सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण जो है वो किसमें होता है वो आपको बताना है, और ऑप्शन आपके सामने गिवन है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गन्ना। गन्ना ऐसी फसल है जिसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है, और आपको बता दूं गन्ना जो है वो एक खरीफ की फसल में आती है। ठीक है, धान भी एक खरीफ की फसल में आता है, और कपास भी एक खरीफ की फसल है, गेहूं जो है ये हमारी रवि की फसल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन इनके ऊपर तो आते ही रहते हैं। मानव शरीर में दीर्घतम अंतरस्रावी ग्रंथि है? अब देखिए, इसने पूछा है अंतरस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी, वैसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारी लीवर है, पर बात करें हम अंतरस्रावी ग्रंथि की तो सबसे बड़ी कौन सी है, वो है ऑप्शन बी, थायराइड, यानी जिसको हम अवटू भी बोल देते हैं, और ये हमारी गले में पाई जाती है, इसके अंदर हमारा आयोडीन संचित रहता है। अब देखिए, सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी क्या रहेगी? पिट्यूटरी रहेगी, और वैसे भी नॉर्मल सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि भी हमारी पिट्यूटरी ही रहेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, रेडियम की खोज किसने की थी? एम क्यूरी ने की थी, यानी कि मैडम क्यूरी ने की थी। देखिए, यहाँ पर आपको डाउट होगा कि रेडियम, एक होता है रेडियो एक्टिविटा जिसकी खोज हेनरी बेकरेल ने की थी, बट अगर रेडियम आ जाए तो वो हमारी मैडम क्यूरी ने की थी, और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है भौतिकी और रसायन दोनों के लिए। अब देखिए, इसका प्राप्त पूछा, यानी कि इसका अयस्क होता है हमारा ऑप्शन सी, पिंच ब्लेड। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है? सर्वाधिक स्थायी तत्व पूछा है, तो देखिए इसका राइट आंसर, उम्मीद है आपने इसका जवाब दे दिया होगा, ऑप्शन डी है, सीसा। सीसा जो है सबसे स्थायी तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है? ठीक है, देखिए CO2 गैस क्या उत्पन्न करती है जल में घुलते समय? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्बल अमल। ठीक है, अमल उत्पन्न करती है पर बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि अमल जो है बहुत ही पावरफुल नहीं है, बिल्कुल ही कमजोर अमल जो है वो उत्पन्न करती है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो तो आपको पसंद आई होगी, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऐड किए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।